हेलो दोस्तों, तो यार मुझे लगा कि आपको मेरी पिछली वीडियो अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं उसका दूसरा पार्ट छोड़कर ये वाली नई वीडियो लाया हूँ। तो यार तुम्हें डीसी की सुपर हीरो की टीम तो याद ही होगी। हाँ, सुपरमैन, वंडर वुमन और वगैरह वगैरह। तो क्या होगा अगर मैं बोलूंगा इसी सेम टीम मार्वल के पास भी है? तो मार्वल के सुपर हीरो के बारे में तो आपको पता ही होगा, अभी अभी उसकी बातें भी चल रही थी लोकी के सीजन 2 में, हाइपेरियन। और ऐसा समझ लो कि आज हम उसी टीम की वंडर वुमन के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इन सबकी शुरुआत होती है हाइपेरियन के एक प्लेनेट पर गिरने से। मतलब कि हाइपेरियन जिस प्लेनेट पर गिरता है उसी प्लेनेट पर एक आदमी रह रहा होता है अपने बीवी बच्चों के साथ, और वो किसी मकबरे में जाता है अपनी प्रिंसेस को खाना देने के लिए, वो भी अपने बच्चे के साथ। तभी उस लड़के को और उसके बच्चे को एक पेंटिंग दिखती है, वो भी प्रिंसेस की, वो भी पूरी के पूरी नेकट। और फिर वो बंदा उसके बच्चे से बोलता है कि बाहर जाओ यहाँ से अपनी मम्मी के पास, और वो वहीं बैठा रहता है, वो भी प्रिंसेस के खाने के साथ। फिर अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है, कोई बाहर है, किसी को बाहर मेरी जरूरत है। ये बोलते हुए उस बंदे के सामने फिर एक बुढ़िया आ जाती है, और फिर बाद में अंदर से काफी ज्यादा अजीब अजीब आवाजें भी आती है और उस आदमी की चीखें भी सुनाई देती है। तभी वो छोटा सा लड़का उसकी दादी से पूछता है कि ये क्या था। तब उसकी दादी बोलती है कि कुछ नहीं, तू अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। और फिर मकबरे से बाहर आती है नेकट प्रिंसेस, और वो पूरी की पूरी जवान हो चुकी थी उस बंदे की जवानी छीन कर। तब वो बुढ़िया उससे बोलती है कि प्रिंसेस आप आ ही गई, हमने आपका बहुत इंतजार किया है और अब आप हमारी मदद करो। लेकिन प्रिंसेस को अपनी जवानी में कुछ और कमी लगती है, तो उस बुढ़िया की बची खुची जवानी भी अपने अंदर खींच लेती है। और फिर हमारी प्रिंसेस जाती है हाइपेरियन के पास। हाइपेरियन बेचारा उस आइलैंड पर अधमरा पड़ा होता है, और वो हाइपेरियन से बोलती है कि मैं हूँ तुम्हारा लव और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन हाइपेरियन उससे बोलता है कि तुम हो कौन, और फिर वो हाइपेरियन को उड़ा कर ले जाती है और एक किस में ही उसकी पूरी तबीयत ठीक कर देती है। मतलब कि यार इतनी पावर के एक चुम्मे में ही उसे ठीक कर दिया। और फिर प्रिंसेस हाइपेरियन को बताती है कि मैं 2000 सालों से तुम्हारे उस मकबरे में इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो। तभी हाइपेरियन बोलता है तुम हो कौन, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी लगती हो। तब प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा हाँ, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं है। तब जाकर प्रिंसेस उसे बताती है कि हम लोग स्पेस से हैं, हम लोग शिप में पैदा हुए थे, और हम जहाँ पर पैदा हुए थे वहाँ पर लोगों को जोड़े से भेजा जाता था, और जब हमारी बारी आई तो वहाँ पर जंग छिड़ गई, और उसी के कारण मैं 2000 साल पहले यहाँ पर आ गई और तुम अब आ रहे हो। मेरे पिता गॉड ऑफ नाइट थे और तेरे गॉड ऑफ वॉर, और हमारे प्लेनेट पर SAX नहीं कर सकते थे, माने कि बच्चा पैदा करने की प्रोसेस, लेकिन फिर भी उन्होंने किया और गॉड्स में लड़ाई हो गई। इसी वजह से वहाँ पर जो लास्ट 2 बच्चे बचे थे जो हम हैं, उन्हें उन्होंने शिप में भेज दिया। तब हाइपेरियन उससे बोलता है कि ये सब क्या है, मतलब कि कुछ भी, तुम भी तो उस समय बच्ची थी, तुम्हें ये सब कैसे पता, और आखिर हम यहाँ आए क्यों हैं? तब प्रिंसेस उससे बोलती है कि थोड़ा टाइम लगेगा और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, और हम यहाँ पर आए हैं कॉन्कर करने इस अर्थ को। तभी हाइपेरियन बोलता है कि मैंने अभी तक बहुत सारी जाने बचाई है और वो लोग मुझे अच्छा समझते हैं, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे इंसानों को तकलीफ हो। तो प्रिंसेस जाडा बोलती है कि ठीक है, अभी तुम जाओ और जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे बुला लेना, या फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी। ये बोलकर हाइपेरियन वहां से निकल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और यार अगर ऐसे ही मार्वल की कॉमिक्स के बारे में सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।